आज हम नमक पारे बनाएंगे जो बच्चों और बड़ों को बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे पहले हमने मैदा लिया है, जो कटोरी से 2 कटोरी हमने नाप लिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे और 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्ची डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसमें तेल अच्छी तरह से मिल जाए, और जब तक ही हमको इसको मिक्स करना है। अब ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और ये मुट्ठी में लेके देख लेना है। ये मुट्ठी बन जाए तो आपका मिश्रण अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हमने 1/2 कटोरी उसी कटोरी से नाप के पानी लिया था और पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है और इसको आटे को एकदम टाइट गूंथना है। अब हमारा आटा मल के तैयार हो चुका है। अब इसको हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमारे आटे को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारा आटा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसके हम 2 पेड़े बना लेंगे। अब हमारा पेड़ा बन चुका है। अब इसको हम बेलेंगे और रोटी से थोड़ा मोटा ही इसको हमको बेलना है। अब हमारी ये बिल चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा साइड्स हैं उसको हम काट लेंगे। अब हमारी ये चौकोर हो चुकी है। अब इसके लंबे लंबे हम नमक पारे काट लेंगे। अब हम इसको बीच में से काट लेंगे। अब हम नमक पारे को एक एक करके प्लेट में रख लेंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसको हम तेल को मीडियम आंच पर गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब कढ़ाई में हम नमक पारे डाल देंगे। इसको अच्छी तरह हिलाते हुए तलना है। यह तल चुके हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे।
क्रिस्पी नमक पारे बनके तैयार हो चुके हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।